नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत बीडीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। स्क्रैप लेके आ रहे थे हम लोग, हम भी गाड़ी पे थे, वो भी पीछे बैठ के थे। हम लोग तो उतर के भागे बड़ी मस्जिद का, बड़ी मस्जिद मशरावा। हाँ, उसके बाद हम लोग आगे उतर के भागे, उनके बाद फिर वायर टकराया और हाईबस से गिरे वो उनके सर में। हाँ, स्क्रैप गाड़ी पे बैठे थे। क्या हुआ, गिरे, हम भी आगे से कूदे, हमको भी थोड़ा लगा लाइट, उनको क्या गिरे वो ज़्यादा लगा उनको। क्या नाम है जो माल लगा? कलीमुल्ला। कहाँ के रहने वाले? यूपी। स्क्रैप की गाड़ी पे ऊपर बैठे थे? हाँ, ऊपर बैठे। गिरे कैसे ऊपर से? वो हाईबस से करंट का वायर टूटा, वो हाईबस से गिरे। करंट का वायर लगा इनको ऊपर? मालूम नहीं सर। आप थे सामने, बाजू थे उनके? नहीं, मैं आगे, जैसे चिंगारी निकला मैं आगे कूद गया। अच्छा, करंट का चिंगारी निकला? हाँ, मैं आगे कूद गया, वो पीछे अपना कूदते थे। क्या गिरे, क्या क्या है कि मालूम नहीं, पीछे का मालूम नहीं। ये किधर हुआ हादसा? ये बड़ी मस्जिद के सामने। बड़ी मस्जिद के सामने। अभी किधर है जो मार लगा, किधर है? हॉस्पिटल में, उसको गांधी हॉस्पिटल में। अब क्या है कि मालूम नहीं, अंदर का न्यूज़ नहीं मालूम सर। आपको भी लगा मार? हाँ, थोड़ा लाइट लगा। साथ थे क्या? आप भी साथ थे? हाँ, हम भी साथ थे। क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम। अच्छा, हाँ, एक बेटी है। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।